अभी तक कोई पहुंचा नहीं। मैं बाइक से आके शायद इसलिए जल्दी पहुंच गया। अच्छा वो चाबी ले आया। अरे इतना अंधेरा, स्विच कहाँ है इसके? ये रहा। ये घर है, नाचने गाने का अड्डा नहीं है। तुम्हारे समर को नचनिया बनने का शौक कम था जब तुमने अपने पांव में घुंघरू बांध लिए? मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बीवी अपने पांव में घुंघरू बांध कर नाचे। अगर ऐसा दोबारा हुआ ना तो ये तुम्हारे पांव में जो घुंघरू है इन्हें तोड़ के बिखरा दूंगा। वेल डन अनुपमा, वेरी वेल डन। ये कारखाने की जगह में अपने डांस स्कूल के साथ कैफे खोलने का सोच रही है। कारखाना बंद करना पड़ा तो क्या हुआ बापूजी? मैं हूँ ना, टेंथ में हूँ तो क्या हुआ, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमा सकता हूँ। आई एम सॉरी बेटा, तुझे वक्त से पहले बड़ा होना पड़ रहा है। मेरी गरीबी तुझसे तेरा बचपन छीन रही है। बाबूजी अब मैं 18 साल का हो गया हूँ, अब आप मेरी और डॉली की पढ़ाई की चिंता मत कीजिए। मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगा और हम दोनों की पढ़ाई के साथ साथ घर का खर्चा भी उठाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी थी बेटा कि तुझे दुनिया का हर सुख हर सुविधा दूँ, पर कुछ नहीं दे पाया, तभी तो आज तुझे जमीन पे बैठ के पढ़ना पड़ रहा है। बाबूजी आप उदास मत होइए, मैं जमीन पे बैठ के पढ़ रहा हूँ तो क्या हुआ, इरादे तो आसमान छूने के हैं। बा मुझे नौकरी मिल गई, बहुत बड़ी कंपनी है और सैलरी भी अच्छी है। बा मेरी पहली सैलरी। दिवाली पे आपको और बापूजी को जो भी चाहिए बता दीजिएगा, मैं ले आऊंगा। डॉली तुझे स्कूटी चाहिए ना, चल लेके आते हैं। बापूजी ये लीजिए आपका नया चश्मा, पुराने वाले का फ्रेम चुभता है ना। बेटे की कमाई के चश्मे से बाप को सारी दुनिया सुंदर दिखती है। पहले भी जमीन पे था, आज भी जमीन पे हूं। पहले भी आसमान के सपने देखे, आज भी आसमान का सपना देख रहा हूं। और अगर एक बार मैं आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता हूं तो फिर दोबारा क्यों नहीं। जगह अच्छी लगी? इट्स परफेक्ट। कुछ कम हो तो बता दीजिएगा। कुछ कम नहीं है, न जगह न तुम। मैंने तुम्हें हमेशा अपने से कम समझा, सॉरी। अब ये सब बातें मत कीजिए। थैंक यू तो कह सकता हूं, जब भी मैं लड़खड़ाया तुम्हारे विश्वास ने मेरा हाथ थामा। मुश्किल समय में मेरा आत्मविश्वास हिल जाता था, पर तुम्हारा मुझ पे से विश्वास कभी नहीं हिला, न कल ना आज। हारे हुए आदमी की सबसे बड़ी ताकत होती है किसी का उसके ऊपर भरोसा। भरोसा उस आदमी को टूट के बिखरने से बचा लेता है अनुपमा।
और तुम्हारे विश्वास ने मुझे बिखरने से बचा लिया। थैंक यू सो मच। मुझे आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत पे हमेशा भरोसा था, है और रहेगा। तुम्हारे इस भरोसे को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। कॉफी? हाउ स्वीट पाखी, थैंक यू। अपने लिए बना रही थी तो आपके लिए भी बना दी। एंड डोंट वरी, उसमें शुगर नहीं डाली। Lovely. Thank you. मम्मी ने सिखाई। पहली बार इस घर में सुकून के कुछ पल मिले हैं। वैसे तोशु भी ठीक ही कह रहा था, रोज रोज ऐसे चिक चिक में रहना इज नॉट इजी। काश काश कोई ऐसा एक फ्लैट होता जहां मैं इस पूरी फैमिली को पार्सल करके रख देती और फिर अकेले मजे से सुकून से इस घर में वी के साथ रहती। कब आएगा वो दिन? वैसे वो दिन एक ना एक दिन तो आना ही है, बट फिलहाल लेट मी जस्ट एंजॉय दिस मोमेंट। दिस इज सो परफेक्ट। अनुपमा, तेरा फोटो एक नंबर। ये मेरा पुराना जंग लगा हुआ टूटा फूटा कारखाना? ये आपका कारखाना तो फिर से जवान हो गया। अब आपकी बारी, कल से आप भी ना जींस टी शर्ट पहनना शुरू कर दीजिए। बेटा ऐसा समझो, मैं और ये कारखाना पुराने दोस्त थे। बल मैं तो अपने पैरों पर खड़ा हूँ, ये बेचारा बैठा ही रह गया। मेरे दोस्त को फिर से खड़ा करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बापू जी सुनिए ना, ये इस तरफ वाली जगह, ये सब जगह ये डांस क्लास के लिए और उस तरफ कैफे के लिए, मतलब इस तरफ में और उस तरफ मिस्टर शाह, और बीच में ये दीवार, दोनों का हिस्सा अलग अलग। बापूजी, बा इस जगह पे बड़ों का आशीर्वाद तो था ही, अब बच्चों का प्यार भी मिला है। Best of both the worlds. आपने जमीन दी और तुम लोगों ने आसमान। मनेरी में मर से मैं भी आता था यहाँ पे जीजा जी के काम में हाथ बटाने के लिए। लेकिन एज पर माई नेचर हमेशा काम बढ़ा के चला जाता था। थैंक यू जीजा जी, आई एम सॉरी। अरे नहीं, मेरे यादों की बारात, तू मुझे कभी अकेला नहीं पढ़ने देता था। तू मेरा साथी था, साथी है और रहेगा। समानंदनी, थैंक यू। मम्मी प्लीज, आप लोग क्या कर रहे हैं? बड़ों के हाथ आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं। बेटा बड़े इतने बड़े भी नहीं होते कि छोटों को थैंक यू ना कह सके। थैंक यू समर। मुझे मालूम है कि तेरी माँ की कोई भी चीज तू किसी के साथ कभी शेयर नहीं करता है, ना करना चाहेगा, स्पेशली मेरे साथ, पर तूने किया। थैंक यू। बचपन में जब मैं बापूजी के साथ कारखाने में आता था ना, तो मैंने वो स्कूल की व्हाइट शर्ट पहनी होती थी। वो शर्ट तो मेरी रंगों का रेड कार्ड बन जाती थी। अब वही रंग मुझे अपने सपनों में भरने हैं।